गाइस, अगर आप भी आय जात निवास प्रमाण पत्र या फिर हैसियत प्रमाण पत्र या फिर विकलांग प्रमाण पत्र, ऐसे कई सारे प्रमाण पत्र होते हैं, अगर उन सभी को आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में आपको ई साथी में लॉग इन करना होगा और इसके लिए आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो ई साथी में अकाउंट बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है बाकी जगहों से, इसलिए इसमें काफी लोगों को अकाउंट बनाने में दिक्कत आती है और आपको अकाउंट बनाते समय बीच बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी देखने को मिलती है। सो इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि कैसे आप उस प्रॉब्लम को ठीक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किया पूरा केयरफुली देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में यहाँ पे सर्च करना होगा ई डिस्ट्रिक्ट और आपको अपने राज्य का नाम यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि मैं यूपी से हूँ इसलिए यहाँ पे यूपी डाल दिया। उसके बाद हमारे सामने हमारे राज्य की वेबसाइट आ जाती है। उसके बाद आपको यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट डॉट यूपी डॉट जीओवी डॉट इन पे क्लिक कर देना है और ये यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप आय जात निवास किसी भी प्रमाण पत्र को काफी आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसके होम पेज का इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से शो होगा। आपको यहाँ पे ई साथी में अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, इसलिए आप यहां सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपको ई साथी डॉट यूपी डॉट जीओवी डॉट इन इस वेबसाइट पे आपको भेज दिया जाता है। यहां से आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा तभी आप यहां से अपने किसी भी प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। जैसा कि सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको सभी प्रमाण पत्र यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अकाउंट बनाने का प्रोसेस सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड पहले से है तो आप यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करके आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉग इन हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाना है इसलिए हम नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे अकाउंट बनाने का प्रोसेस ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी एक लॉगिन आईडी बनानी होगी। लॉगिन आईडी आपकी 6 से 8 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको अपनी लॉगिन आईडी किस तरीके से बनानी है और जो भी लॉगिन आईडी आप यहाँ पे डालते हैं, अगर आपकी लॉगिन आईडी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके अपनी लॉगिन आईडी को सर्च करना होगा। जो भी लॉगिन आईडी आपके नाम से यहाँ पे उपलब्ध होगी यहाँ पे डायरेक्ट इंटर हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, नीचे आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, फिर आपको यहाँ पे अपने जेंडर का यहाँ पे चयन करना होगा कि आप मेल है फीमेल है, आपको यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आवासीय पता यानी कि एड्रेस दर्ज करना होगा जिस जगह से आप हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपना पिन कोड दर्ज करना होगा, नीचे आपको यहाँ पे अपना जिला दर्ज करना होगा, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी आपको डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपना सुरक्षा कोड यानी कि जो कैप्चा कोड है ये वाला आपको सेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, यानी अकाउंट बनाते समय जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला था उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना होगा और यहाँ पे जो भी आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया गया है आपको यहाँ पे डाल देना है और ये सुरक्षा कोड आपको यहाँ पे बिल्कुल सही सही फिल कर देना है, यानी कि ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे डालने के बाद नीचे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यूजर नेम आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। नीचे आपको यहाँ पे अपनी ओटीपी डालनी होगी जो कि आपके मोबाइल नंबर पे सेंड की गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नया पासवर्ड डालना होगा और उसी पासवर्ड को आपको दोबारा से यहाँ पे नीचे डाल देना है। पासवर्ड आपको याद करके रखना है क्योंकि जब भी आप इसमें लॉगिन होंगे आपको इसी पासवर्ड और यूजर नेम को डालने की जरूरत पड़ेगी। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पासवर्ड कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो आपका पासवर्ड यहाँ पे 8 अक्षरों से यानी कि 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा आप अपने पासवर्ड को कर सकते हैं या फिर 8 अक्षर तक भी कर सकते हैं, आपका पासवर्ड 8 अक्षरों से कम नहीं होना चाहिए। तो सारी डिटेल डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पासवर्ड बदलने पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका पासवर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कभी कभी एक दिक्कत आती है। यहाँ पे लिख के आता है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा होगा। मैंने एक बार यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश की थी तो यहाँ पे लिख के आ रहा था कि आपका पासवर्ड और यूजर नेम यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो अगर आपके फोन में भी लिख के आ रहा है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड गलत है तो सिचुएशन में आप अपने अकाउंट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको एक पेज बैक आ जाना है, उसके बाद आपको यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम डाल देना है, नीचे आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है जो भी आपने अकाउंट बनाते समय डाली थी। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो भी आपने अकाउंट बनाते समय डाला था। उसके बाद आपको पासवर्ड रीसेट पे क्लिक कर देना है, पासवर्ड रीसेट करे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लिख के आ चुका है पासवर्ड सफलतापूर्वक रीसेट हो गया है, ओटीपी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है
यह 24 घंटे के लिए मान्य है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया गया जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला था, और आपके मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी सेंड किया गया वो 24 घंटे के लिए मान्य होता, आप 24 घंटे तक उसे यूज में रख सकते हैं। उसके बाद आपको एक पेज बैक आ जाना है, यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना होगा, यहाँ पे आपको ओटीपी डालना होगा और ये वाला सुरक्षा कोड आपको यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको ओटीपी वही वाली डालनी है जो कि पासवर्ड रिसेट करते समय जनरेट हुई है, जो कि 24 घंटे के लिए मान्य है, आपको वही ओटीपी यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद आपके सामने दोबारा से वही पेज ओपन हो जाएगा, जो प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे वैसे ही कर देना है। आपको यहाँ पे जो ओटीपी अब की बार सेंड किया गया है आपको वही ओटीपी डालना होगा, फिर आपको यहाँ पासवर्ड बदले पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, यानी आपका पासवर्ड यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला था वही आपका पासवर्ड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे आके अपना यूजर नेम डालना होगा, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, यहाँ पे आपको अपना सुरक्षा कोड डालना होगा यानी कि कैप्चा कोड। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, फिर आप यहाँ पे पूरी तरह से लॉग इन हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के पूरी तरह से लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई भी सेवाओं का यहाँ पे लाभ उठा सकता हूँ, यानी कि आय, जात, निवास प्रमाण पत्र, जितनी भी प्रमाण पत्र, जितनी भी सेवाएं यहाँ पे है सभी को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, सभी के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ।